तो आप सब चौंक गए होंगे थंबनेल देख के। 10 लाख का गिववे मैं करने वाला हूँ। वीडियो को हर एक सेकंड तक देखिएगा और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, जिससे कि जो वीडियो में आप मान लो स्केप करते हैं तो जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रोसीजर, वो आप नहीं फॉलो कर पाएंगे और आप 10 लाख का जो गिववे है वो नहीं जीत पाएंगे। तो वीडियो की हर सेकंड को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूं ये वीडियो में आपको मैं एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूं। बेसिकली इसीलिए मैंने जो है ये ऐसा थंबनेल बनाया है जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और बेसिकली इसमें कोई भी मैं 10 लाख का गिववे नहीं करने वाला हूँ, मगर आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे आपने क्लिक बेट किया है, आपने थंबनेल पे कुछ और दिखा के कुछ और कंटेंट को डिलीवर किया है, तो मैं आपको कहता हूँ बेसिकली मैंने ऐसा ही किया है। मैंने ऐसा क्यों किया है मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो 10 लाख का गिववे का प्रोसीजर क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं ये वीडियो क्लिक बेट पे बनी हुई है। क्लिक बेट क्या होता है इसी को समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने क्लिक बेट की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसमें नेगेटिव कमेंट या डिसलाइक ना करें। बेसिकली मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता था क्लिक बेट क्या होता है और इसी की मदद से कैसे जो यूट्यूब पे या आप सोशल मीडियाज पे देखते हैं इससे जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज वो लाखों रुपए कमाती हैं। तो ये 10 लाख का गिववे क्या ये 1 करोड़ का भी गिववे है, उससे भी बड़ी रकम की ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो ये 10 लाख का गिववे यही है इसमें कि आपको मैं क्लिक बेट समझाने वाला हूँ और इससे आप बच सकते हैं, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या आप किसी चीज़ में लॉस होने से बच सकते हैं। तो क्लिक बेट होता क्या है, बेसिकली क्लिक बेट होता है अगर आप इसको तोड़ते हैं, दो वर्ड है बेसिकली क्लिक और बेट। अगर इन दोनों को आप साफ हिंदी में इसकी मीनिंग देखा जाए तो क्लिक तो आप जानते हैं किसी चीज़ को टच करना या उस चीज़ को प्रेस करना, टैप करना, उसको हम बोलते हैं क्लिक। मगर बेट का मतलब आपने सुना होगा, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रलोभन। प्रलोभन क्या होता है, मगर इसका मतलब ये है कि लोगों को कुछ ऐसा दिखा के इन्फ्लुएंस करना जिससे कि वो व्यक्ति उस चीज़ को क्लिक करे या उस चीज़ को लेने के लिए मजबूर हो जाए, इसको बोलते हैं बेट। बेसिकली आप बोल सकते हैं ये एक तरीके का शिकार है, एक तरीके का हुक है जिससे हम जो शिकारी है, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको शिकार की तरह ही समझती हैं, आपको कैसे ना कैसे उस चीज़ पे पहुंचाया जाए। और इसका जो इस्तेमाल है YouTube पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे YouTube पे किस तरीके से होता है, तो ये होता है थंबनेल की मदद से। क्लिक बेट थंबनेल बनाए जाते हैं। अब क्लिक बेट थंबनेल क्या होता है, थंबनेल तो आप सब जानते हैं, वीडियोज़ को दिखाने से पहले एक इमेज को लगाया जाता है और वीडियो में क्या बताया जा रहा है उस थंबनेल पे बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्लिक बेट में बेसिकली जो है आपको जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है अंदर उसको पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसिव थंबनेल बनाया जाता है, या तो वो वीडियो से मैच नहीं करता या वीडियो में उस इन्फॉर्मेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, मगर उसी हिस्से को इतने बड़े पैमाने में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है जिससे लोग उस वीडियो को क्लिक करें। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आपने कई सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस को ट्रेंडिंग में देखा होगा तो वहाँ पे क्लिक बेट का ही इस्तेमाल करके उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ लाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वीडियो की जो रीच है लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, लोग उसको CTR की मदद से मतलब क्लिक थ्रू रेट है उसका बढ़ाया जा सके, लोग उसको क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अगर चैनल मोनेटाइज है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आएंगे, लंबी वीडियो बनाएंगे तो मल्टीपल एड्स आएंगे और वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जितने भी बॉलीवुड्स के गाने हैं वो सब क्लिक बेटी तो है। आपको लगता है कि हाँ नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप बॉलीवुड्स के गाने देख लें या कोई भी आइटम सॉन्ग देख लें, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके की जो है बेसिकली थंबनेल पे आपको या तो नूडिडिटी या जो सॉफ्ट मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हैं गर्ल्स दिखा के या जो शॉर्ट कपड़े हो गए या जो भी है उस तरीके की जो है थंबनेल पे लगाया जाता है। और बेसिकली वो आप उससे क्या होते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं देखने के लिए। तो ये क्लिक बेट ही तो है। आप ट्रेंडिंग में देखते हैं यूट्यूब पर वो सब क्लिक मोस्टली जो है क्लिक बेट की मदद से इतने सारे व्यूज़ उस वीडियोज़ में आते हैं। कंटेंट मैटर करता है, मगर क्लिक बेट से अगर आप कंटेंट तक पहुँच गए तो कंटेंट को इतना ज़्यादा
ज़्यादा अट्रैक्टिव और इतना ज़्यादा बेसिकली एंगेजिंग बनाया जाता है कि लोग उससे चिपके रहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले मगर उनका जो कंटेंट है वो वायरल हो जाता है क्लिक बेट की मदद से। नींबू पानी या मतलब नींबू मिर्च लगाएं तो ये होगा, मतलब ग्रहण होगा तो ये होगा, मतलब आप ऐसी कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जिसको क्लिक बेट की ही मदद से इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है। तो आप कैसे, अगर आप यूट्यूबर हैं तो क्लिक बेट की मदद से आप कैसे अपने वीडियोज़ को बढ़ा सकते हैं। तो क्लिक बेट को करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूं, मगर वो करना इसलिए चाहिए जब तक वो राइट सेंस में हो। जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाया 10 लाख का गिव वे करने वाला हूं, तो ये क्लिक बेट है, मगर आपको 10 लाख से भी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूं, तो ये क्लिक बेट एक सेंसिबल तौर पर मेरा जो है बन चुका है। तो इसी तरीके से आप सेंसिबल मान लीजिए, आप क्लिक बेट की मदद से जैसे ये कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब की अर्निंग से मैंने कार खरीदी, दिस इज़ आल्सो क्लिक बेट, मगर इसकी मदद से आप ये है कि वाकई में अगर आपने कार खरीदी है यूट्यूब की मनी से, तो ये क्लिक बेट होते हुए भी आप एक राइट सेंस में अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरीके से माई फर्स्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज़, तो ये क्लिक बेट की तरह से है, मगर आप वाकई में इस चीज़ को आपको यूट्यूब से या वेबसाइट से आपने अन किया है, तो ये क्लिक बेट तो है मगर एक राइट सेंस में जा रहा है। तो क्लिक बेट जो है मोस्टली राइट सेंस में नहीं होते, 90% आप डेटा देखेंगे यूट्यूब पे ही आप देख लें तो क्लिक बेट की मदद से मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, चैनल की रीच बढ़ जाती है और बेसिकली वो अंदर जाके या तो उस चीज़ को मॉडिफाई करके दिखाते हैं या उस चीज़ पे लाने के लिए बेसिकली क्लिक बेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरीके का आपको बोल सकते हैं हुक है जो आपको लाता है वीडियो की तरफ और वीडियोस की रीच को बढ़ाया जाता है और वीडियोस को वायरल किया जाता है जिससे वो अर्न कर सकें और अपना इन्फ्लुएंसिव प्रोडक्ट है वो आप तक पहुँचाया जा सके। तो क्लिक बेट बहुत बड़ा मार्केट है और क्लिक बेट की मदद से जो है इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आप टीवी पे एड्स देखते हैं वो क्लिक बेट ही तो है बेसिकली, उनमें क्या है आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है क्लिक बेट की मदद से। तो इस तरीके से क्लिक बेट काम करती है। तो ये 10 लाख जो गिववे है, इससे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, तो आप इससे बच सकते हैं। जो आपके लिए प्रोडक्ट एसेंशियल नहीं है, मान लो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो तब भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना मनी है बर्बाद कर लेते हैं। तो क्लिक बेट यहाँ काफ़ी बड़ा जो है नुकसान करता है लोगों का। तो अगर आप प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो अच्छा है। अगर आप ऐसे ही इन्फ्लुएंस होके क्लिक बेट की मदद से, मतलब वहाँ पे आप देखें तो आप वीडियोस में तो जाएंगे तो इन्फ्लुएंस वो कर ही लेंगे और आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं भले आपको वो इस्तेमाल ना करना हो। तो ये है पूरी तरीके से क्लिक बेट, बेसिकली लोगों को लुभाने का एक तरीका है जिससे वो लोग उस तरीके तक पहुँच सकें और वहाँ जो है वो अपना खेल पूरा कर पाते हैं। तो आई होप क्लिक बेट के बारे में और ये पूरा प्रोसीजर जो है गिववे का वो समझ गए होंगे। बेसिकली गिववे नहीं था ये, मैं आपको समझाना चाहते थे, ये जो इन्फॉर्मेशन है यही एक तरीके का गिववे और इस इन्फॉर्मेशन की जो कीमत है वो 10 लाख से भी बहुत बड़ी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्लिक बेट समझ गए होंगे। क्लिक बेट का मैंने इस्तेमाल किया मगर एक राइट सेंस में जिससे आप क्लिक बेट तक समझ, क्लिक बेट का जो मतलब है वो समझ सकें। तो कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आप इस वीडियो में वाकई में मैंने क्लिक बेट का इस्तेमाल तो किया है मगर एक राइट सेंस में, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।